हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेलियम बायोलॉजी। एनसीईआरटी रिकैप सीरीज को ही आगे बढ़ाएंगे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी 17th चैप्टर क्लास 11th एनसीईआरटी को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ये इसका फोर्थ सेशन है जिसमें आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में बात करेंगे। देखो, पहले तीन सेशंस में हम लोग बेसिक्स सारे स्टडी कर चुके हैं और इनफैक्ट लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट थोरेसिक चैम्बर। तो पहले उन वीडियोस को देखो, फिर इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। एक बार वापस बात करता हूँ थोरेसिक चैम्बर की, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी की थी। ये आप इस इमेज को देखो एक बार अच्छे से। इस इमेज में आपको थोरेसिक चैम्बर बहुत क्लियर दिख रहा होगा। देखो, ये जो अभी फ्रंट वाला व्यू, फ्रंट व्यू मतलब कि ये वेंट्रल सरफेस है। इस वेंट्रल सरफेस पे आपको यहाँ दिख रहा है स्टर्नम, ठीक है। उसके अलावा आपको स्टर्नम से यहाँ पे जो जॉइंट हो रखी रिब्स हैं वो सारी दिख रही है, ठीक है, जो कि हमारे थोरेसिक चैम्बर का लिटरल पोर्शन बनाती है। और स्टर्नम एंटीरियर पोर्शन या वेंट्रल सरफेस, ठीक है। और अब अगर आप देखोगे इसको यहाँ पर, तो ये देखो आप, ये अब अपने को दिख रहा है डॉर्सल सरफेस यानी बैक सरफेस, जिसपे आपको दिख रहा होगा वर्टिब्रल कॉलम। वापस से दिखा रहा हूँ, ढंग से देखना इसको। इसका आपको देखना है डॉर्सल सरफेस या बैक सरफेस, वर्टिब्रल कॉलम वाला। ये देखिए आप, इसको देखिए, ये जो अब ये थोरेसिक चैम्बर का पीछे वाला पोर्शन, वर्टिब्रल कॉलम। तो थोरेसिक चैम्बर एनाटॉमिकली एक एयर टाइट चैम्बर है। ये दिख रहा है आपको पिक्चर। इसमें अगर बाउंड्रीज की बात करें तो डॉर्सल साइड पे, डॉर्सल साइड यानी पीछे के सरफेस पे, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में भी कौन सी? थोरेसिक वर्टिब्री। ये जो 12 थोरेसिक वर्टिब्री होती है यानी T1 से T12, ये बनाता है डॉर्सल साइड। उसके अलावा बात करेंगे वेंट्रल सरफेस यानी सामने वाला सरफेस, तो सामने वाला सरफेस बना ये स्टर्नम के थ्रू, ठीक है। फिर बात करेंगे लेटरल यानी साइड्स की, तो ये साइड्स में सारी आपको रिब्स दिख रही होगी, तो ये रिब्स। और लोअर यानी नीचे की तरफ अगर हम कहेंगे तो ये रहा हमारा डायफ्राम, एक डोम शेप्ड मसल डायफ्राम, जो थोरेसिक चैम्बर और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है एक दूसरे से। अब थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट क्या होता है? तो लंग्स, लंग्स के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो देखो, ये तो था बेसिक्स जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, बट यहाँ पे हमें ये सीखना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में, कि हम जो ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हैं उसके पीछे का एग्जैक्ट कॉज यह है, ये अपने आप कैसे हो रहा है। देखो, मैं अभी यहाँ पर एक लेक्चर ले रहा हूँ, क्या मैं कॉन्शियसली ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहा हूँ? नहीं, वो अपने आप हो रहा है। तो ये जो अपने आप हो रहा है वो कैसे हो पा रहा है? कुछ लोग सोचते होंगे कि जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स में मसल्स होती होंगी और उन मसल्स की हेल्प से लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होते हैं। तो मैं बता दूं कि देखो, लंग्स में मसल्स नहीं होती, लंग्स स्पॉन्जी टिश्यू है, उनमें मसल्स नहीं होती। तो जब उनमें मसल्स नहीं होती तो लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन, लंग्स का एक्सपांशन कैसे हो पाता है? तो ये खुद से एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट तो हो नहीं पाता, और बिकॉज वो खुद से एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए लंग्स का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। देखो, पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब लंग्स का वॉल्यूम। लंग्स जब एक्सपांड होंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा, लेकिन ये डायरेक्टली लंग्स खुद ऐसा नहीं कर सकते। इसके पीछे एक पूरा डिफरेंट मैकेनिज्म है जो इसी थोरेसिक चैम्बर की वजह से होता है। बेसिकली होगा ये कि जब भी आप थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में कोई चेंज करोगे तो लंग्स के वॉल्यूम में अपने आप चेंज आएगा। कैसे आएगा, इस चीज़ को समझें आप एक बार। देखो, आप इसको ऐसे समझ लो, मैं एक बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको। ये समझ लो आप, ये आपका थोरेसिक कैविटी है, एयर टाइट है, और इस थोरेसिक कैविटी में यहाँ पर लंग प्रेजेंट है, ये लंग प्रेजेंट है यहाँ पर। अब एक काम करते हैं हम, लंग्स में खुद की तो मसल्स होती नहीं, तो एक काम करते हैं, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम करते हैं। वॉल्यूम कम करते हैं मतलब कि ये चारों तरफ से, ये ऐसे आप समझो, ये थोरेसिक कैविटी अब यहाँ पे आ गई है पूरी, ये जो थोरेसिक कैविटी की जो वॉल्स थी उन वॉल्स को हमने हल्का सा अंदर की तरफ पुश किया। तो जब आपने ऐसा किया तो अंदर का वॉल्यूम क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो कम हुआ। अब आप सबको पता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि जब भी वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम। अब आपने थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम किया तो उसके अंदर का प्रेशर
बढ़ेगा, यानी यहाँ पर जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। अभी जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये प्रेशर किस पे अप्लाई होगा, ये प्रेशर अप्लाई होगा लंग्स पे। तो जब लंग्स पे बाहर की तरफ से प्रेशर लगेगा तो लंग्स क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बेसिकली इस तरह से थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को चेंज करने से अपने आप चेंज आता है लंग्स के वॉल्यूम में। इसका ऑपोजिट करके देखते हैं एक बार, हम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ये ऐसे ले लिया हमने, ये हमने थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो जब आपने थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा दिया, यानी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो थोरेसिक कैविटी में जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर ओवरऑल प्रेशर कम हो रहा है। तो जब प्रेशर कम हो रहा है तो लंग्स के ऊपर जो प्रेशर लग रहा था वो क्या हुआ, रिलीज। तो लंग्स जो है रिलैक्स होंगे, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इस तरह से पल्मोनरी वॉल्यूम यानी लंग्स का वॉल्यूम कम और ज़्यादा होता रहता है थोरेसिक कैविटी की वजह से। और डिटेल में लेते हैं इस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को, बोल उतना ही जितना अपने को एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है। देखो ब्रीदिंग की अगर हम बात करें तो ब्रीदिंग में बेसिकली दो स्टेप होते हैं, हम सब जानते हैं, एक होता है इन्हेलेशन और एक एक्सहेलेशन, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना। ये पिक्चर देखो, आपको इस पिक्चर में क्लियर दिख रहा है कि किस तरह से इन्हेलेशन, ये हो गया इन्हेलेशन, ठीक है, एयर को ब्रीद इन करना और वापस जो एल्वियोलाई एयर है उसको रिलीज करना, ये हो गया एक्सपायरेशन। तो ब्रीदिंग के दो बेसिक स्टेप, इंस्पिरेशन या इन्हेलेशन, और जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर हम अंदर ड्रॉ करते हैं, और एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन जिसमें जो एल्वियोलाई की एयर है उसको रिलीज आउट किया जाता है। और अब देखो ये जो मैकेनिज्म हो रहा है, ये मैकेनिज्म हो रहा है बिकॉज ऑफ अ प्रेशर डिफरेंस, ग्रेडियंट वर्ड ये जो है ना, प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वर्ड का बेसिक मतलब होता है डिफरेंस। जैसे हम कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस। तो जब प्रेशर का ग्रेडियंट, एक प्रेशर डिफरेंस डेवलप हुआ, तो हम सबको पता है कि जो एयर होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। समझ में आई बात? अभी प्रेशर ग्रेडियंट कैसे डेवलप हो रहा है वो हमें पूरा सीखना है यहाँ पर। समझो समझो किसी रीजन से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यानी लंग्स के अंदर का प्रेशर कम है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी बाहर का प्रेशर ज़्यादा है और लंग्स का प्रेशर कम है, तो एयर कहाँ मूव करेगी, ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट? तो रेफरेंस में बात करें, जैसे आप हर बार फिजिक्स में बात करते हो ना कि जहाँ पे चार्जेस ज़्यादा होते हैं उसको आप पॉजिटिव डिनोट करते हैं और जहाँ पे चार्ज कम होता है आप उसको नेगेटिव डिनोट करते हो। सिमिलरली जहाँ प्रेशर कम है उसको आप पॉजिटिव डिनोट करो, ज़्यादा है वहाँ पे आप पॉजिटिव डिनोट करोगे और जहाँ प्रेशर कम है वहाँ पे आप नेगेटिव डिनोट करोगे। तो पहले केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर है वो कम है, तो एक रिलेटिवली नेगेटिव प्रेशर होगा लंग्स में, और एयर का मूवमेंट किधर होता है, हायर टू लोअर, यानी कि हम क्या करेंगे, इंस्पायर। तो इस केस में होता है इंस्पिरेशन। सेकंड केस देखते हैं इसी तरह का। सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी रिलेटिवली यहाँ प्रेशर ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है, तो रिलेटिवली बाहर नेगेटिव प्रेशर और अंदर पॉजिटिव प्रेशर, तो एयर अपने आप हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है। और अब हम ये देखेंगे कि लंग्स के अंदर, ये जो हमने दो बात की कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही रहता है हमेशा, अब अंदर का प्रेशर कब कैसे बढ़ेगा और अंदर का प्रेशर कैसे कम होगा वो हमें सीखना है। और उसको अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस डेवलप हुआ है, ये प्रेशर डिफरेंस डेवलप होता है मसल्स की वजह से, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अभी कहाँ है, कैसे काम करती है वो हम सब यहाँ पर अभी सीखेंगे। चलिए पहले बात करते हैं हम डायफ्राम की। देखो डायफ्राम मसल मैं आपको ऑलरेडी शो कर चुका हूँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, थोरेसिक चैम्बर और एब्डोमिनल चैम्बर के बीचों बीच, इनफैक्ट यही है जो इन दोनों को सेपरेट करती है। अब ये देखने से पहले, इन मसल्स को देखने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहूँगा, क्योंकि एनसीईआरटी के जो टर्म्स हैं उसको, उन लाइन्स को अगर आपको समझना है तो आपको ये बेसिक टर्म्स सीखने पड़ेंगे। मैं सर्फेसिस की बात कर रहा हूँ,
देखो जो सामने का सरफेस होता है, इस फिगर को देखो आप, सामने के सरफेस को हम क्या कहते हैं? वेंट्रल सरफेस। बैक साइड के सरफेस को हम क्या कहते हैं? डॉर्सल। ये ध्यान रखना है, फ्रंट सरफेस वेंट्रल होता है और बैक सरफेस डॉर्सल होता है। सिमिलरली ये जो हेड साइड वाला पोर्शन है ना, इसको आप कहते हो एंटीरियर साइड और इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर साइड। ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा। जैसे कि समझो यहाँ ईसोफेगस की बात करें हम, और मैं बोलता हूँ कि एंटीरियर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, तो एंटीरियर पार्ट मतलब इसका ऊपर वाला, ये वाला पोर्शन, ये एंटीरियर पोर्शन होगा। तो कुछ इस तरह से चीज़ें डिनोट की जाती है, रेफरेंसेस कुछ इस तरह से लिए जाते हैं। अब मैं डायफ्राम की बात करता हूँ। देखो ये डायफ्राम दो अलग अलग स्टेजेस में, ये जो स्टेज है ये है इसकी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज, ये वाला डायफ्राम है। देखो ये हमने कहा ना डोम शेप्ड मसल, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, हमने कहा डोम शेप्ड मसल। तो ये जो डोम शेप्ड मसल है ये डायफ्राम है। ये डायफ्राम रिलैक्स्ड कंडीशन में या नॉर्मल कंडीशन में इस तरह से डोम शेप्ड होता है, और जैसे इस डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम कुछ इस तरह से फ्लैट हो जाता है। ये देखो आप यहाँ पर ऐसे, ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज और ये रिलैक्स्ड स्टेज। अब जो मैं समझा रहा हूँ वो अच्छे से सुनना है, समझना है, क्योंकि इसके बिना आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। समझ रहे हो बात को? साइड डिनोट कैसे करूँगा मैं इसको? ऐसे बोलूँगा ना, देखो ये ट्रैकिया है अपना, तो ये एंटीरियर साइड होगी, पोस्टीरियर साइड। अब इसको आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर एंटीरियर तो सामने होता है, पोस्टीरियर पीछे होता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि समझो, अब जैसे ह्यूमन बींग्स बाईपेडल है, यानी कि दो पाँव पे चलने वाले हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कैसे होते हैं? चार पाँव पे चलने वाले। तो आप ह्यूमन बींग को इस तरह से हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दो, तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टली जब आप प्लेस करोगे तो हेड वाला पोर्शन, आगे वाला पोर्शन एंटीरियर, और पीछे वाला पोर्शन जो यानी लेग्स वाला पोर्शन वो कौन सा होगा? पोस्टीरियर। तो बेसिक ये टर्म्स वहाँ से उठाए गए, वो टर्म वहाँ से उठाए गए, पर हम क्या वर्टिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, सीधे खड़े रहने वाला ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमारा ये पोर्शन हो जाएगा एंटीरियर और नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा पोस्टीरियर। अब इस लाइन को समझो, ये जो एनसीईआरटी की लाइन है वो क्या कहती है कि जब हम डायफ्राम का कॉन्ट्रेक्शन करते हैं, जब हम डायफ्राम का कॉन्ट्रेक्शन करते हैं तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? ये देखो आप, ये रिलैक्स्ड कंडीशन में डायफ्राम जब रिलैक्स्ड है तो आपका एंटेरो पोस्टीरियर डायमेंशन कितना था? इतना। एंटेरो पोस्टीरियर डायमेंशन कितना था? इतना। अब यही अगर कॉन्ट्रैक्टेड है तो एंटेरो पोस्टीरियर डायमेंशन कितना है? इतना। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, डायमेंशन इंक्रीज हुई है। किस डायरेक्शन में? एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पे डायमेंशन इंक्रीज हुआ है। तो डायमेंशन इंक्रीज हुआ है तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ होगा। ऑब्वियसली बात है ना, वॉल्यूम तो डायमेंशन पर डिपेंड करता है। यानी डायफ्राम के कॉन्ट्रेक्शन से कौन सा वॉल्यूम बढ़ेगा थोरेसिक कैविटी का? तो थोरेसिक कैविटी का एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होता है। कब? जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। वर्ड्स समझने हैं, नीट के एग्जाम में जब करेक्ट और रॉन्ग स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होता है। तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है अपने, ये इस तरह से इसको समझना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिलैक्स्ड कंडीशन की। तो जब डायफ्राम रिलैक्स होगा तो जो वॉल्यूम है वो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में अपने आप वापस कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरकोस्टल मसल्स की। देखो इंटरकोस्टल मसल्स, ये वर्ड कहाँ से आया? ये वर्ड हमने उठाया है कोस्टल कार्टिलेज से। और अगर आपने स्केलेटन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि रिब्स जब स्टर्नम से जाकर अटैच होती है तब ये अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ अ कार्टिलेज कॉल्ड एज कोस्टल कार्टिलेज। तो इंटरकोस्टल मसल्स कौन सी है? इंटरकोस्टल मसल्स हैं रिब्स के बीच की मसल्स। ये जो रिब्स है ना, तो ये रिब्स के बीच की मसल्स को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ये देखो आप, समझ में आया? अभी इंटरकोस्टल मसल्स भी दो तरह की होती है। एक देखो, एक ये एक बाहर की तरफ दिख रही होंगी आपको मसल्स, और एक ये अंदर की तरफ दिख रही होंगी। तो जो बाहर की तरफ दिख रही है ऑब्वियसली वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो अंदर दिख रही है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ICM का मतलब होता है इंटरकोस्टल मसल्स और E मतलब एक्सटर्नल, और इस I का मतलब इंटरनल और ये इंटरकोस्टल मसल्स। तो समझ भाई, तो दो तरह की कोस्टल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब देखो
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात करूंगा मैं, देखो एक बात बहुत क्लियर बोल देता हूं मैं, इंटरकोस्टल मसल्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो केवल EICM यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ही नॉर्मल ब्रीदिंग में रोल प्ले कर रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, नॉर्मल ब्रीदिंग में, फोर्सफुल ब्रीदिंग की बात नहीं कर रहा, हम बैठे आराम से जो इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हैं, इस नॉर्मल ब्रीदिंग में रोल केवल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का है, IICM का नॉर्मल ब्रीदिंग में कोई रोल नहीं होता। अब जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो रिब्स और स्टर्नम लिफ्ट अप होते हैं यानी कि थोड़ा बाहर की तरफ मूव करते हैं। अब जैसे ये बाहर की तरफ मूव करेंगे, आप खुद सोचो, आपका आपका रिब्स वाला पोर्शन, स्टर्नम और रिब्स वाला पोर्शन जब बाहर की तरफ मूव करेगा तो आपका थोरेसिक कैविटी का डायमेंशन बढ़ेगा, और किस एक्सिस में, ऑब्वियसली ये वेंट्रल, पीछे डॉर्सल, ये वेंट्रल की तरफ मूव हो रहा है थोड़ा सा, तो आपका डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो EICM डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करती है, जबकि डायफ्राम एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। अब ध्यान से सुनिए जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, थोड़ी देर शांति से अच्छे से इस चीज़ को समझ लो, सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। हम एक स्टेज से शुरू कर रहे हैं, हम डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन से शुरू करते हैं। तो जब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होगा, तब एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ गया, ठीक है, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब हम करते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। तो जब EICM का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही बात है, इंक्रीज होगा, यानी कि इस तरफ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में, इस तरफ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में, दोनों ही केस में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया साफ कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो थोरेसिक कैविटी के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होगा, ऑब्वियसली रिड्यूस होगा। मैंने बोला ना, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो प्रेशर कम हो गया। समझना, ये डायग्राम NCERT का है, समझना इसको। वो कह रहा है कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, तो देखो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो डायफ्राम क्या हो गया, एक तरह से फ्लैट डोम शेप्ड होता ना, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, तो ये डायफ्राम फ्लैट हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इस डायमेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। फिर ये कह रहा है कि रिब्स और स्टर्नम रेज हुई, यहाँ पे देखो रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ रेज हुई, तो जब ये बाहर की तरफ रेज हुई तो इस डायमेंशन में क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेशर रिड्यूस होगा। अब आप समझिएगा, ये जो रेड कलर का शो कर रखा है ना, ये लंग्स हैं, जब इसके अंदर का प्रेशर रिड्यूस हुआ, इसके ये प्रेशर रिड्यूस हुआ, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब थोरेसिक कैविटी का प्रेशर रिड्यूस होगा तो लंग्स क्या होंगे, एक्सपांड। तो जैसे ही थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेशर रिड्यूस हुआ, लंग्स एक्सपांड होंगे, लंग्स एक्सपांड होंगे तो लंग्स का वॉल्यूम यानी पल्मोनरी वॉल्यूम अपने आप इंक्रीज होगा। जब लंग्स के अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। ये फिजिक्स का फंडा है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो लंग्स के अंदर का प्रेशर यानी इंट्रा मतलब क्या हो गया, अंदर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा, यानी रिलेटिवली अंदर क्या हो गया, नेगेटिव प्रेशर, तो अपने आप एयर कहाँ जाएगी, एयर अपने आप बाहर से अंदर की तरफ आएगी, क्योंकि एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, यानी एयर जब बाहर से अंदर आएगी यानी क्या होगा, इंस्पिरेशन, इनहेलेशन। तो ये जो पहला स्टेप है इंस्पिरेशन, ये कब होता है, ये होता है जब डायफ्राम और EICM, वापस बता रहा हूँ केवल EICM, मैंने यहाँ पे IICM का जिक्र नहीं किया है, तो इनके कॉन्ट्रैक्शन से इंस्पिरेशन होता है। तो कुछ इस तरह से होता है इंस्पिरेशन। अब देखो, कोई भी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली रिलैक्स भी होती है, ठीक इसी तरह से डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अपने आप क्या होगा, रिलैक्स। तो जब डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा तो कुछ इस तरह से देखो, वापस ये डोम शेप्ड बन जाएगा, डोम शेप्ड बन गया, यानी कि एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया, रिड्यूस। सिमिलरली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होंगी, तो जब इनका रिलैक्सेशन होगा तो थोरेसिक कैविटी का डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिड्यूस। इन दोनों की वजह से जो ओवरऑल वॉल्यूम है
थोरसिक कैविटी का वो हो गया रिड्यूस। ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको सारी लेबलिंग। ये कह रहे हैं कि डायफ्राम वापस थोड़ी टाइम बाद में रिलैक्स होगा और ऊपर की तरफ आर्च कर जाएगा, ये इस तरह से डायफ्राम आ गया, ठीक है। रिब्स और स्टर्नम वापस इंटरकोस्टल मसल्स यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के रिलैक्सेशन से वापस अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाएगा। अब इन दोनों की वजह से क्या होगा, थॉरेक्स का वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। जब थॉरेक्स का वॉल्यूम रिड्यूस हो गया तो थॉरेक्स के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा थॉरेक्स के अंदर का प्रेशर, और ये जो प्रेशर अंदर की तरफ बढ़ेगा वो प्रेशर किस पे लगेगा, लंग्स पे। ये देखो ये बहुत सिंपल है, ये अंदर का प्रेशर लगेगा किस पे, लंग्स पे, और जब लंग्स पे प्रेशर लगेगा तो लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिड्यूस। पल्मोनरी वॉल्यूम के कम होने की वजह से लंग्स के अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा वापस, तो जब अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा यानी अंदर रिलेटिवली पॉजिटिव और बाहर रिलेटिवली नेगेटिव, तो एयर अपने आप बाहर निकलेगी यानी होगा यहाँ पर एक्सपायरेशन। अब यह दो बहुत स्पेशल चीज़ें मैं आपको वापस बता दूँ। पहली चीज़, नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन में हमने कहीं पे भी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल यानी IICM की बात नहीं की, ध्यान रखना आपको ये, यानी IICM का नॉर्मल इन्हेलेशन और एक्सपायरेशन में कोई रोल नहीं होता। दूसरी सबसे खास बात, देखो एक्सपायरेशन जो हुआ वो डायफ्राम और EICM के रिलैक्सेशन से हुआ, और इंस्पिरेशन इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ। यानी आप ये कह सकते हो कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो अपने आप रिलैक्स भी होती है, सिमिलरली जब इंस्पिरेशन होगा तो उसको बाद अपने आप एक्सपायरेशन होगा ही होगा, क्योंकि इन मसल्स को तो वापस रिलैक्स होना ही होना है। अब अगर आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वह एनर्जी यूज़ करता है, यानी एक एक्टिव प्रोसेस है, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अपने आप रिलैक्सेशन भी होगा, तो रिलैक्सेशन एक पैसिव प्रोसेस है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में से एक्टिव प्रोसेस कौन सा है, तो आप ये कहेंगे कि इन्हेलेशन में मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इन्हेलेशन एक्टिव प्रोसेस है, इन्हेलेशन ही एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि इनमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जबकि एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है क्योंकि इनमें मसल्स का केवल रिलैक्सेशन होता है। तो आई होप आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आके आप कभी भी अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब पे शेयर कर रखा है, आप वहाँ पे भी मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं एब्डोमिनल मसल्स की, कि एब्डोमिन की जो मसल्स होती है उनका ब्रीदिंग में क्या रोल रहता है। देखो पहली बात तो जो नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है उसमें एब्डोमिनल मसल्स का रोल, डायरेक्ट रोल कभी भी नहीं होता। मैं दूसरे टाइप के जो है ब्रीदिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे समझना इस चीज़ को अच्छे से। हालांकि NCERT ने इस चीज़ को अच्छे से समझाया तो नहीं है, बट उन्होंने एक दो लाइन लिखकर इसके बारे में छोड़ दिया है, बट इस चीज़ को अगर आप समझ लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। देखो क्या होता है, जब एब्डोमिनल मसल्स का होगा कॉन्ट्रैक्शन, ये एब्डोमिनल मसल्स हैं आपके, एब्डोमन हो गया, एब्डोमिनल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो एब्डोमन अंदर की तरफ मूव करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है और एब्डोमन अंदर की तरफ मूव करता है तो उसके रिस्पॉन्स में डायफ्राम और ज़्यादा ऊपर आर्च कर जाता है, डायफ्राम और ज़्यादा ऊपर आर्च कर जाता है। आप यहाँ देखो इस केस में एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स्ड है, तो जब एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स्ड है तो डायफ्राम का शेप इस तरह से है, और जब एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो डायफ्राम और ज़्यादा क्या होगा, ऊपर की तरफ आर्च। जब डायफ्राम अब ऊपर की तरफ और ज़्यादा आर्च होगा तो जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगी, कम, थोरेसिक प्रेशर और ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर किस पर लगेगा, लंग्स पे, तो जो लंग्स का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर और बढ़ जाएगा, यानी वो और पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये हो गई फोर्सफुल एक्सपायरेशन। यानी जब एब्डोमिनल मसल्स का आप कॉन्ट्रैक्शन करते हो तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है। अब ये चीज़ें अगर आपको याद नहीं रहती, समझो, देखो मैंने पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी अगर आप एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हो तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार बैठ के इंस्पायर करना है, एक्सपायर करना है, और ये देखना है
कि मूवमेंट किस तरफ हो रहा है। आप एक बार इंस्पायर करो, तो जब आप इंस्पायर कर रहे हो तो आपको फील हो रहा है कि आपका चेस्ट कैविटी बाहर की तरफ मूव कर रहा है। देखो डायफ्राम को तो फील नहीं कर सकते, चेस्ट कैविटी को फील कर सकते हो ना, फील करके देखो। तो जब चेस्ट कैविटी बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो इंस्पिरेशन हो रहा है। तो इस तरह से आप पूरा मैकेनिज्म याद कर सकते हो। आप एब्डोमेन की मसल्स को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करो, तब अपने आप क्या हो रहा है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आप जब योगा करते हो तो आप इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करना कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन विद हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। यानी हमारी एब्डोमिनल की मसल्स की हेल्प से हम इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन की जो एबिलिटी है उसकी उसकी जो फोर्स है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रीदिंग रेट की, यानी हम एक मिनट में कितनी बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। तो हम एक मिनट में करीब 12 टू 16 टाइम्स जो है ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, यानी इतनी बार ब्रीदिंग होती है। तो ये कहलाती है हमारी ब्रीदिंग रेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आपको समझना है। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको किसी भी तरह के कोई डाउट रहे तो आप अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई रियली होप कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।